नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द राजधम के ऊपर। आज हमारे साथ मशहूर जिलानी साहब मौजूद हैं। ये बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं और ये प्रतिक्रिया बताएंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट पे जो याचिका हुई है, फ्लोर टेस्टिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों की बातें हुई हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। सर, ये जो फ्लोर टेस्टिंग की बात सामने आई है, आज जो है अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट सामने आया है, ठीक है, शिवसेना की तरफ से। उन्होंने बोला है कि 162 जो है हमारे पास विधायक हैं, तो मतलब मैं परेड करवा सकता हूँ 162 विधायक का। तो सर, 162 अगर उनके पास विधायक पहले से ही थे तो 10 दिनों तक वो क्या कर रहे थे? 162 दिन नहीं, मैं बताऊं 24 दिन हो गए। 24 तारीख को रिजल्ट आया था। उसके बाद पूरा एक महीना 23 तारीख तक, जब तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को नहीं मिले हैं, तब तक आप कहां सोए हुए थे? आपकी जो प्रक्रिया थी, आपकी जो प्रतिक्रिया थी, वो कहां गायब हो गई थी? वहां कौन लोग आपके साथ कनेक्ट थे? कौन लोग आपके साथ ये कह रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं? हम कांग्रेस क्या कह रही थी, NCP क्या कह रही थी, उद्धव ठाकरे जो टीम है वो क्या कह रहे थे? तो देखिए, अब उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। इस वक्त जो आज की कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की जो पूरा का पूरा जो घटनाचक्र आप देखेंगे, जिस तरीके से कोर्ट में वकीलों ने दलील दी, मुकुल रोहतगी ने उसका जवाब दिया, मुकुल रोहतगी ने जिस तरह की बात करी है, जो सवाल पूछे, उसमें NCP के वकील सिब्बल साहब और मनु सिंघवी साहब को बैकफुट पे आना पड़ा और उन्होंने जो एक हलफनामा दिया था जिसमें MLA के साइन थे, वो उनको वापस लेना पड़ा। इस हिंदुस्तान ने देखा है कि सुबह से जैसे घटनाचक्र हो रही, अब उनके पास एक नई सोच लेके आए कि हम परेड करा देंगे। अगर आप परेड ही कराना था तो इतना लंबा समय महाराष्ट्र को बिना मुख्यमंत्री, बिना शासन के आपने एक महीने से लोगों को एक अलग सिचुएशन में डाल रखा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने करी हैं, और एक आपकी जो गठजोड़ है वो बेमेल है। आपकी सोच अलग है, कांग्रेस की सोच अलग है, शिवसेना अलग सोचती है। शिवसेना कट्टर है, अपने आप को जानी जाती है हिंदुत्व को लेके। कांग्रेस ने 5% और NCP ने 5% मुसलमानों को सीधा आरक्षण देने का मैनिफेस्टो में अपने वायदा किया है। क्या शिवसेना इसको मानेगी? वहां पे 5% मुसलमानों को, सिर्फ जो एक तुष्टिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है इस भारत के लिए, उसको वो जोड़ेंगे? तो ये सारी चीजें भारत देख रहा है। और भारत में जो इन्हें वोट महाराष्ट्र ने दिया था, महाराष्ट्र ने वोट दिया था एक अस्थायी सरकार के लिए, महाराष्ट्र ने वोट दिया था एक विकास के लिए। महाराष्ट्र के लोगों ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठजोड़ है उसके ऊपर प्रधानमंत्री और जो शिवसेना का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सारे भाषण हुए हैं, सारी रैलियां हुई हैं, उस पर जो वोट मांगा गया था, वहां की जनता ने ये देख के दिया था कि एक सेंट्रल में मजबूत सरकार है, उस मजबूत सरकार को हम महाराष्ट्र में बनाएंगे, उसके मद्देनजर ये सारे का सारा कार्य हुआ था। अब आपको सडनली, क्योंकि आपको सुप्रीम बॉस बनने की एक जो अंदर की भूख है वो सामने आई, और उद्धव ठाकरे साहब पहले तो ये कंफ्यूज थे कि उनके बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उद्धव ठाकरे बनेंगे, फिर बाद में ये बात आई कि एकनाथ शिंदे बनेंगे, तो वो मुख्यमंत्री पे भी क्लियर नहीं थे। तो इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि आज की प्रक्रिया जो कोर्ट की है, वो उसमें जो फ्लोर टेस्ट का मामला है, जो आपका क्वेश्चन है कि फ्लोर टेस्ट पे जब आएंगे सारे MLA, तो मुझे लगता है दूध का दूध पानी हो जाएगा। और सरकार जो बन चुकी है, सरकार के अंदर सिर्फ मंत्रालय और मंत्रियों को बांटना है, वो जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के जो लोग हैं उनके साथ सरकार बन जाएगी। सरकार 5 साल के लिए बनी है। एक और चीज सर मैं आपसे पूछूंगी, जो विधायकों का जो नाकाबंदी हो रही है होटलों में जो करी जा रही है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? जो शिवसेना और जो NCP जो मतलब अपने विधायकों का नाकाबंदी कर रही है, कहीं जाने नहीं दे रहा, अगर कोई शौचालय के लिए भी जा रहा तो उसके पीछे पीछे अपने मतलब गार्ड्स को भेज रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिये, ये एक डर है उनके मन में, डर है। आप उनको एक बार फ्री छोड़ के देखिए, वो अपने विचार के, उन्हें भी लगता है कि सेंट्रल के अंदर जो सरकार है, जिस सरकार को लेके लोगों में एक उत्साह थी, वही सरकार वहां महाराष्ट्र में अभी बनी है, उसके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर ये फ्री उनको छोड़ दें, इसीलिए तो ये डर रहे हैं कि पहले कोई ऐसा मसला आ जाए, पहले कोई ऐसी बात आ जाए जिससे फ्लोर टेस्ट ना हो पाए। वो डर क्यों रहे हैं? क्योंकि फ्लोर टेस्ट में उस दिन MLA फ्री होंगे, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के विकास के लिए अपने आप को वोट करेंगे, और वो वोट होगा इस वक्त की जो अस्थाई सरकार है फडणवीस साहब की, उनके साथ होगा और क्लियर हो जाएगा। इसलिए डरे हुए नहीं, तो खुद उद्धव ठाकरे होटल घूम के, ये पहली बार हो रहा है कि शिवसेना का कोई, बाला साहब ठाकरे को आज कितना दुख हो रहा होगा, उनके सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं ये लोग, कभी मातोश्री से वो निकले नहीं, आज ये होटल में दर दर भटक रहे हैं। इससे ज्यादा घृणित और इससे ज्यादा नीचे गिरना मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना ने कभी किया होगा।
सर, एक और चीज़ मैं आपसे आपसे मैं पूछूंगी अगर आपके इजाजत हो तो, ठीक है, मतलब कि अगर ये जैसे बोल रहे हैं 54 विधायकों का दावा पेश कर रहे हैं, शरद पवार जी बोल रहे हैं, एनसीपी के 54 विधायक जो मेरे साथ हैं, शरद और जो क्या नाम अजीत पवार जी भी बोल रहे हैं कि 54 विधायक मेरे पास, तो किसका मतलब असली किसका माना जाए सर, मतलब चाचा का या फिर भतीजा? कोर्ट आज क्लियर कर दिया है, कोर्ट ने अजीत ये कहा नहीं कि अजीत पवार ने जो साइन करके दिया है उसके ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करी है कोर्ट ने, और कोर्ट सर्वमान्य है, कोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमें ये मानना पड़ेगा कि अजीत पवार साहब ने जो जिन एमएलओ के बारे में, और उन्होंने अभी कहा है कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर बाकी है, हिंदुस्तान के लोगों को फ्लोर टेस्ट के दिन एहसास हो जाएगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हित के लिए बने हैं उसी तरीके से ये सरकार 5 साल के लिए बनेगी, तो तुम्हें और हमें चिंता करने की जरूरत